आज का ये केस आधुनिक समाज का एक ऐसा प्रतिबिंब है जहां एक साथ अलग अलग तबके, सोच और उम्र के कई लोग एक ऐसी आपराधिक गतिविधि का शिकार हुए जो पुलिस के लिए भी बिल्कुल नहीं थी। माँ की दवाइयाँ ठीक है, उसने देने के लिए मना कर दी। कैसी तबीयत है आपकी? मर जाने देती, कब तक ऐसे पैसे लुटाएगी मुझ पर? कैसी बातें कर रही हो माँ, अब तुम ही तो कहती हो कि तुम्हारी एक बेटी सीप है तो एक बेटी मोती। पर मोती है कहाँ? पहले का पैसा लेके आओ फिर सामान लेके जाना, जाओ जाओ। पिछला पैसा बाद में, अभी पैसा पकड़ो और सामान बांधो। चलो विजय, मैं तेरे से पैसे नहीं ले सकती। ओ भैया, पैसे पकड़ो और सामान बांधो। पर दो दो चलो। सुनना, तू पैसों की टेंशन मत ले, देख आज नहीं तो कल तुझे तो मेरी ही होना है, तेरे मेरे बीच कुछ बटा थोड़ी है कि नहीं, तू बता। छोड़ो। अरे छोड़ो। अच्छा सुन 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 ना, किस दिन? अच्छा सुन, मेरे प्रपोजल के बारे में सोचना ठीक है? कब तक अपनी बहन और मां के चक्कर में अपनी जिंदगी झंड करवाती रहेगी? तुम मेरी माँ नहीं हो, अंडरस्टूड? एंड यू गेट लॉस्ट। एक्सक्यूज मी, आप मेरे फ्रेंड से किसी से बात नहीं कर सकती, यू गॉट दैट? अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किस तरह बात करनी चाहिए किससे और किस तरह नहीं? एंड यू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैंने कहा ना निकलो यहां से अभी के अभी। क्लोई, आई विल गो। शिप, वेट, व्हाट? वेट, रुको। क्लोई, शिप, शिप, लिसन, वेट, शिप। Where are you going? Hell! You wanna come? Mom, for God's sake, me life mentor tag karna band karo. Warna aapke liye acha nahi hoga. Shiv, listen to me, please. Shiv, Mom, listen to me. मंजू, नौकरी की बात करते ही कुछ एडवांस भी मांग लेना। लेकिन बॉस मुझे एडवांस क्यों देंगे? तो मांग तो सही, देखती नहीं कितना पैसे वाला है। अरे बैठो बैठो। नमस्ते नमस्ते, बैठो आराम से, बैठ 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 आराम से, बैठ आराम से। बॉस ये मंजू है, 10वीं पास है, घर में कोई जेंट्स नहीं है कमाने वाला, बूढ़ी माँ और छोटी बहन के साथ रहती है, इस वक्त इसको काम की बहुत जरूरत है। 10वीं पास हो फिर आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की? वो सर माँ बीमार हो गई थी इसलिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी,
पर मैं अपनी छोटी बहन को पढ़ा रही हूँ। वाह क्या बात है, तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे हैं। और फिर घनश्याम भी तुमको जानता है, तो ठीक है तुम कल ऑफिस आ जाओ और मैं सारा काम तुम्हें वही समझा दूंगा। कुछ कहना चाहते हो? अगर कुछ एडवांस मिल जाता। एडवांस? हाँ हाँ मैं अभी आया। ये लो 25,000 है, ले 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 ले। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर, चल मुझे। अब आप ही देखिए ना, माँ को ऐसी हालत में छोड़ के मैं काम पे कैसे जाऊं। हाँ तो ये बात अपने बॉस से मिलकर उनको बोल दो। देख मंजू, अगर तुमने एडवांस नहीं लिया होता ना तो मैं कुछ नहीं बोलता। एडवांस? हाँ रंजू, उस एडवांस से तो माँ का इलाज करवाया है। ती हम कैसे भी मैनेज कर लेते, वो एडवांस खर्च करने की क्या जरूरत थी। अब अपने बॉस को जाके सॉरी बोल दो आप। सॉरी बोलकर तुम शर्मिंदा मत करो। देखो फिलहाल मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या नाम है तुम्हारा? मंजू। माफी मांगो इनसे। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। वो पैसे भी तुम रख लो। मैं तुम्हारी तरह नीच नहीं हूँ। मुझे जैसे ही दूसरी नौकरी मिलेगी मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। एक मिनट, बात पैसों की नहीं है, बात अपराध की है। ये अपराधी है जिसने तुम्हारा रेप करने की कोशिश की है, कल किसी और का करेगा। तुम थाने चलो, इसके खिलाफ रिपोर्ट डालो। मैडम मैं आपसे माफी मांगती हूँ, इन्हें माफ कर दीजिए वरना फालतू में लोकैलिटी में हमारी बदनामी हो जाएगी। और ये सुधरेगा कैसे? ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आज के आज ही इसे छोड़कर मायके जा रही और डिवोर्स फाइल करती हूँ। बबीता बबीता बबीता, किसकी बॉडी है? नहीं सर, आसपास इसे कोई नहीं पहचानता। सर हाल ही में हुलिया से मिलती जुलती कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं लिखाई गई। ये लड़की इस एरिया में कर क्या रही थी? मुझे लग रहा है इसे मारा कहीं और गया और फिर लाकर बॉडी को यहाँ डंप किया गया। आने जाने के रास्ते में या फिर आसपास कोई सीसीटीवी? नहीं सर, कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। ठीक, इसकी फोटो निकलवाओ और सर्कुलेट करो, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जी सर।
नंदिनी लेडीज टेलर, पता करो ये दुकान कहाँ है, शायद उससे इसकी पहचान हो सके। सर इसे जानते हो? हाँ साहब जानता हूँ, ये तो रंजन है, पास ही रहती है। ये रंजन कहाँ रहती? बेटी दो दिन से घर नहीं आई और आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई। वो सर हमें बदनामी का डर था। कैसी बदनामी? सर मुझे रंजू की पर्सनल डायरी मिली थी। ये रंजू भी ना पता नहीं कहां है सुबह से। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तरफ दुख भरी जिंदगी है, दूसरी तरफ सुख सपने आजादी। एक मन करता है मैं यहाँ सब कुछ छोड़ के विजय के साथ भाग जाऊं, पैसा कमाऊं, माँ और दीदी को खुशियाँ खरीद के दूं। लेकिन फिर सोचती हूँ कि माँ और दीदी से तो मेरी ताकत है। अगर तारे चुनने हैं तो आसमान की सैर करनी होगी। ये विजय कौन है? सर विजय रंजू का बॉयफ्रेंड था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर। मेरी रंजू उस घटिया आवारा लड़के को जरा भी पसंद नहीं करती थी। ओए मेरे रंजू के पीछे पड़ा रहता था। आंटी जी देखिए, आपको तो पता ही है ना कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। मैं चाहता हूँ रंजना भी का हम लोग पहले एक बैंक बैलेंस बना लें, घर खरीद ले, फिर हम लोग शादी कर लें। आंटी गोवा के जिस रिजॉर्ट में मैं काम करने जा रहा हूँ मैंने उसके मैनेजर से बात कर ली है। मुझे क्या पता नहीं है कि गोवा में क्या होता है? मेरी बेटी को वहाँ लेकर जाएगा, इसे गलत काम करवाएगा और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। रंजना तेरे साथ कहीं नहीं जाएगी। जब मेरी बेटी रंजना ने मेरी बात मानी तो उसने मुझे मार डाला। माँ सही कह रही है, मैंने खुद अपने कानों से सुना था और अपनी आंखों से देखा था। रंजू उसे गोवा जाने के लिए मना कर रही थी सर। डर गई। जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। ये ले तेरी गोवा की टिकट। यार आज मैं इतना खुश हूँ ना, हम दोनों गोवा जा रहे हैं। तेरा तेरा सामान कहाँ है? मुझे पता है ना, आज हमें निकलना है। माँ और दीदी को अकेला छोड़ के तेरे साथ गोवा नहीं जा सकती। ठीक है मैं समझ गया, तुझे ना मेरी कद्र ही नहीं। ऐसा नहीं है, कद्र है, लेकिन माँ और दीदी को मेरी जरूरत है। तुझे जिंदगी भर इसी कॉलोनी में सड़ना है क्या? देख मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तू मेरे साथ गोवा आ रही है मतलब आ रही है, मैं अभी तेरा इंतजार करूंगा स्टेशन में, तू आ जाना चुपचाप। अगर नहीं आई ना तो समझ लेना आ जाना चुपचाप। आपकी बातों से लगता है कि विजय गोवा जाने ही वाला था। उसका नंबर है आपके पास? प्लीज सर। सर नंबर स्विच्ड ऑफ। इस विजय का नंबर फॉरेन सर्वेलेंस पर डालो और इसके कॉल और लोकेशन डिटेल्स निकालो, और इनसे रंजना का नंबर लो और उसके भी कॉल और लोकेशन रिकॉर्ड्स निकालो। जी सर।
और साथ में ये भी पता करता हूँ कि विजय गोवा गया है या फिर यहीं दिल्ली में है। क्लोई, अच्छा क्लोई, ब्रेकफास्ट रख रही हूँ यहाँ पे, जा रही हूँ ऑफिस, खा लेना ठीक है याद से। ये क्या जासूसी कर रही हो? ये क्लोई, व्हाट इज दिस? यू आर प्रेग्नेंट। अबॉर्शन करवा लूंगी। क्लोई, अबॉर्शन? क्लोई, अ बॉडी इज लाइक अ टेम्पल बेटा, और ये इज्जत, ये डिग्निटी एक बार चली जाना कभी दोबारा वापस नहीं आती। रियली? प्लीज मॉम, ये इज्जत और डिग्निटी जैसे वर्ड्स ना आपको बिल्कुल सूट नहीं करते, इवन आप तो खुद। इससे पहले मेरा मुंह खुल जाए ना, विल यू प्लीज गो आउट? आई हैव टू चेंज। मॉम, प्लीज गो आउट। ठीक है, हाँ मैं सर। सही है, रंजना वर्मा की पोस्टमार्टम। जी सही है, रंजना वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत गला घोटने से हुई है? यस सर, 12 जून को 3 से 5 बजे के बीच में, और बॉडी हमको 13 जून को मिली थी। राइट सर, आपका शक सही था, पहले इसे कहीं और मारा गया फिर बॉडी डंप कर दी गई। सर, रंजना के बॉयफ्रेंड के बारे में पता क्या? यहाँ पे वो रहता था, उसने वो घर खाली कर दिया। अच्छा, और उसकी वो गोवा वाली बात? सर, उसने सभी को यही बताया कि वो हमेशा के लिए गोवा जा रहा है। उसके फोन में कोई मूवमेंट? सर, उसका फोन स्विच ऑफ, लेकिन उसके नंबर के कॉल और लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवा लिए। 12 तारीख को दोपहर 3 बजे उसका फोन यहाँ दिल्ली में स्विच ऑफ हुआ, लेकिन ऑफ होने से पहले पूरे दिन में उसने रंजना को 6 बार कॉल किया अलग अलग टाइम, लेकिन रंजना ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। और 12 तारीख को 3 से 5 के बीच में रंजना का मर्डर हुआ? सर, हो ना हो ये मर्डर विजय ने ही किया है, उसे पता चल गया था कि रंजना उसकी हो नहीं सकती, इसीलिए उसने रंजना को मारा। रंजना के कॉल रिकॉर्ड से कुछ? सर, कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। ठीक है, मंजू से बात करो, इस विजय को सोशल मीडिया पर आइडेंटिफाई करो, गोवा पुलिस की हेल्प से गोवा के सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स में इसका फोटो सर्कुलेट करवाओ और इसको ढूंढो। इस केस को सॉल्व करने के लिए इस विजय का मिलना बहुत जरूरी है, पता लगाओ। जी सर। साहब, क्यों क्यों लेके आए हो साहब? क्या किया है मैंने? बस झुकला इसने। यार मैंने सुना है कि घायल आशिक दुनिया चला देते हैं और छाती ठोककर ऐलान करते हैं। तूने सिर्फ रंजना को मारा है और कबूल नहीं रहा। तू रंजना से इतना प्यार करता है और गोवा जैसी जगह अकेला चला गया उसको दिल्ली छोड़कर। सर, मैंने और रंजना ने अपने रिलेशनशिप को किस्मत के ऊपर छोड़ दिया था। हमने ये सोचा था कि अगर भगवान ने चाहा तो हमें एक बार हम जरूर मिलेंगे। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं और लड़कियों की तरह सेल्फिश नहीं हूँ कि तुम्हें गोवा जाने से रोकूं। रुक भी जाता, अगर मैंने पैसे नहीं कमाए ना तो तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी दीदी जिंदगी भर मुझे नकारा समझेंगी। और दिल्ली में कोई मुझे इतने पैसे नहीं देगा जितने मुझे गोवा में मिलने वाले। हम एक काम करते हैं, अपने रिलेशनशिप को ना किस्मत पे छोड़ देते हैं, हमारी किस्मत में होगा तो हम जरूर मिलेंगे। बड़ी फिल्मी कहानी है तेरी, तेरे जैसा आशिक पूरे दिल्ली में नहीं मिलेगा। बेवकूफ समझता है, सब कुछ अगर भगवान के भरोसे छोड़ दिया था तो 12 तारीख को 6-6 बार कॉल क्यों किए थे रंजना को? मुझे उम्मीद थी कि रंजना मेरे साथ गोवा जाने के लिए तैयार हो जाएगी, पर वो नहीं आई सर। और तूने उसे मार दिया? मैंने नहीं मारा है सर। इसे और यहाँ रखो जब तक टूटता नहीं। सर 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 सच बोल रहा हूँ सर सर। संभालिए, इसने बहुत चीजें की। तुम निकलो यहाँ से। अरे क्लोई, अरे क्लोई, बहुत पी रखी है तुमने, कम ऑन। हेलो, इतनी बड़ी हूँ कि खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ मैं। क्यों अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो? अच्छा,
अरे बर्बाद तो तुमने की है, ऐसे ही पोक कर दी थी डैड को, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया और अब आप चाहती हो कि मैं भी सुसाइड कर लूं। गॉट इट, चलो हटो। नो, लिसन टू मी, यू डोंट डेयर टू टच मी। सर, मैंने रंजना को सोशल मीडिया पे चेक किया, उसके कुछ वीडियोस मिले हैं। सो ये देखिए। जहां तक रंजना की फैमिली से पता चला है, वो तो एक पढ़ाकू लड़की है, तो फिर ये वीडियोस। सर एक नोटिस करने वाली बात है, सर उसके हर एक नई वीडियो में उसने एक्सपोज ज्यादा किया है। सर ये लास्ट वाली वीडियो देखिए। इसके हिसाब से तो लगता है कि कोई जबरदस्ती इसे एक्सपोज करवा रहा था। सर क्या यही वीडियो रंजना के मर्डर का कारण तो नहीं? आईटी सेल से कांटेक्ट करो, पता करो ये वीडियोस किसने अपलोड किए और कौन से एड्रेस है, सारी डिटेल्स लो। एक मिनट सर। सर एक वीडियो में बैकग्राउंड में कोको स्टूडियो दिख रहा था, मैंने उसका स्नैपशॉट ले लिया है। गुड, पता करो ये कोको स्टूडियो कहाँ है और रंजना से इसका क्या कनेक्शन। सर तब तक मैं रंजना के घर वालों से बात करता हूँ, देखता हूँ उसकी माँ या बहन को इन वीडियोस के बारे में कुछ पता है क्या। ठीक है। सर रंजू को बचपन से ही डांस का शौक था, पर इन वीडियोस के बारे में हमें कुछ नहीं पता। इस लड़की को ध्यान से देखिए, हमें पता चला है कि ये लड़की इंटरनेट पे वीडियोस अपलोड करती थी। क्या कभी इसे रंजना के साथ देखा है? नहीं सर। स्टूडियो तो बंद है, ये स्टूडियो कब से बंद है? मैडम 14 तारीख से बंद है। 14 तारीख से? इस लड़की को जानते हो? हाँ मैडम, देखा है। हाँ हाँ, क्या बात है, हाय हाय हाय, ये जरा कमर मटकाना। हाँ हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। रचो, लगी रहे, बहुत अच्छा जा रही है, बहुत अच्छा बेबी। दोनों अच्छी लड़कियां नहीं है मैडम। अच्छी लड़कियां नहीं? हाँ मैडम। तुम्हें कैसे पता? तो तुम भी तो चुप चुप के देखते थे उन्हें। अरे मैडम, एक बार तो उनका भयंकर वाला झगड़ा भी हुआ था। मेरे पैसे सीधा मेरे अकाउंट में आने चाहिए थे, पता नहीं तूने क्या झोल किया। रंजना, मेरे पुराने पैसे दे दे, मुझे तुझसे कोई डील नहीं रखनी। रंजना चल अंदर, पहले वीडियो पूरा करो। नहीं करूंगी, फिर नहीं मिलेंगे पैसे, क्योंकि दिल्ली में ना नाश करने वाली बहुत लड़कियां मिलती है, पर उनको बेचने वाली कुक्कू जैसी कोई नहीं, समझी? नहीं देगी तू पैसे? नहीं नहीं देगी। कैसे नहीं देगी? नहीं देगी तू पैसे? कैसे? तूने जो मेरे पैसे नहीं दिए ना, तो तुझे मैं जान से मार दूंगी, समझी? क्यों कैसे करती है तू मेरे बिना काम, जा। और ये कोको कहाँ रहती है, कुछ मालूम है उसके बारे में? नहीं मैडम। ठीक है। दामिनी, मैं कोको के घर जा रहा हूँ, साइबर सेल से मुझे उसका एड्रेस मिल गया है। सर मुझे भी यहाँ पे कोको के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिली है। गुड। कोको, तुम्हारा पूरा बायोडाटा है हमारे पास, तुम जैसे लोग ही इंटरनेट टेक्नोलॉजी का मिसयूज करते हैं और फिर क्राइम करते हैं। अब ये बताओ रंजना को कब, कैसे और क्यों मारा? What? रंजना को? सर मैंने रंजना को नहीं मारा। झूठ। ये है तुम्हारी मनी रेमिटेंस रिपोर्ट जो तुम्हारे बैंक से मिली है। सर मैंने कब मना किया कि ये वीडियोस मैंने अपलोड नहीं की? सर आप मुझे देखिए, मैं कितनी मोटी हूँ, कितनी भद्दी दिखती हूँ। सर इसलिए लोग मेरा डांस देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं इन लोगों से डांस करवाती हूँ, इनकी वीडियोस अपलोड करती हूँ। लेकिन पैसे के लालच में तुम इनसे एक्सपोज करवाती थी और उसके बाद उन्हें पैसे भी नहीं देती थी, जैसा तुमने रंजना के साथ किया।
शक मत हो, प्रूफ के लिए हमारे पास वीडियो है और गवाही के लिए सोनू वॉचमैन। इसे चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लो। सर आपकी सब बातें सच हैं, पर मैंने रंजना को नहीं मारा। इनफैक्ट मैंने उसके इसके सारे पैसे उसको लौटा दिए थे और अब हम सारे पैसे सब सॉल्व आउट हो गया था सर। ये है तुम्हारे मोबाइल कॉल लोकेशन रिकॉर्ड्स। अगर सब कुछ सॉल्व ऑल हो गया था तो फिर आए दिन रंजना के घर के चक्कर क्यों काट रही थी? सर वो रंजना बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, मेरी ना उसे बहुत मोटी कमाई होती थी। मुझे बहुत ही मुश्किल से उसके घर का पता लगा और मैंने उससे बात की। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना। रंजना मेरी बात तो सुनो, इस बार ना मेरे पास बहुत बड़ा ऑफर आया। मुझे ऐसी कोई कमाई नहीं चाहिए जहाँ पर डांस के नाम पर नंगापन हो और लोग मेरे डांस को कम मेरी बॉडी ज्यादा देखें और फिर मेरे बारे में गंदे गंदे कमेंट्स करें। देखो मेरे सारे वीडियो डिलीट कर दो और तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। लेकिन वीडियोस तो तुमने डिलीट नहीं किए थे और तुम्हें डर होगा कि ये बात रंजना को पता चल जाएगी और इसलिए तुमने उसे मार दिया। नहीं सर वो ऐसा नहीं है, वो मैंने सिर्फ पैसों के लालच में आकर वीडियोस को डिलीट नहीं किया था, पर मैंने सर रंजना को नहीं मारा। मेरी बात का बिलीव कीजिए सर। ठीक है, तुम्हारी सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी, जब तक सच नहीं बोलती खातेदारी करते रहे। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने रंजना को नहीं मारा। रंजना मर्डर केस अब पुलिस के लिए एक चुनौती बनता जा रहा था और इसी बीच एक और महिला की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इधर आओ, इसे लेकर चलो। बॉडी पे कोई स्ट्रगल मार्क्स? नो सर, सर बॉडी पे कोई मार्क्स नहीं है। सर स्लीपिंग पिल्स, बोतल खाली है, कहीं इसी के ओवरडोज से तो मौत नहीं हुई? वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही कंफर्म होगा। एम्बुलेंस बुलाओ, बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजो। फोन किसने किया था? सर इनकी बेटी ने। बेटा ये टाइम ठीक नहीं है, लेकिन आपसे कुछ सवाल करने पड़ेंगे। और कौन कौन रहता है इस घर में? सिर्फ मैं और मॉम ही रहते थे। अपनी मॉम की डेथ के बारे में आपको कब पता चला? आज मैं मॉर्निंग में जब घर आई तब। मॉम, इसका मतलब आप रात में घर में नहीं थी? नो सर, मैं अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने बाहर गई थी। कहाँ? वो सर मैंने सर। आपको क्या लगता है आपकी मॉम ने सुसाइड क्यों किया? कोई परेशानी मुश्किल कुछ? मुझे कुछ नहीं पता सर, I really don't know. सर मेरी फर्नैंडिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। डेथ पिल्स के ओवरडोज से हुई है। मामला सुसाइड का लग रहा है। ड्रग्स का ओवरडोज दिया भी जा सकता है मिश्र, जिस तरह से मैरी की बेटी उसके बारे में बात कर रही थी कुछ तो डाउटफुल है। मोहल्ले में जाकर माँ बेटी के रिश्तों के बारे में पूछताछ करो। जी सर। और वो रंजना वर्मा की मर्डर का क्या हुआ? सर अब तो कोई फ्रेश लीड नहीं मिला। मैरी फर्नांडिस के सुसाइड के चक्कर में मत भूल जाना कि रंजना वर्मा का खूनी अभी भी बाहर घूम रहा है। बिल्कुल नहीं सर, उस केस पे भी पूरा अटेंशन। मैरी और क्लोई के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी, उनके बीच में रोज झगड़ा होता था। अभी कुछ दिन पहले क्लोई ने उसको धक्का मार के चली गई। क्या है ये? आपने किसको पूछ के मेरे फ्रेंड को मैसेज किया कि मैं पार्टी में नहीं जा रही? हाउ डेयर यू टच माय फोन? हां मैंने लेट नाइट पार्टीज के लिए कभी मना नहीं किया, लेकिन ये ओवरनाइट पार्टीज में कभी अलाउ नहीं करूंगी। वेरी सॉरी। हु आर यू टू अलाउ मी? हां आई डोंट गेट इट, आप मेरी लाइफ में हो ही क्यों? डैड की जगह आप क्यों नहीं मर गई? लिसन मॉम, मैं जा रही हूं। क्लोई लिसन टू मी, मैंने कहा क्लोई इसका मतलब क्लोई भी मर्डर कर सकती है। जी सर। उसके कॉल और लोकेशन रिकॉर्ड निकलवाओ। जी सर। और सर जिस स्लीपिंग पिल के ओवरडोज से मैरी फर्नांडिस की मौत हुई है वो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं मिलते, और हमारी फोरेंसिक टीम को उनके घर पे कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं मिला। उसके घर के आसपास में 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी मेडिकल शॉप्स हैं सबसे पूछताछ करो, पता करो ये दवाई खरीदी किसने। जी सर।
अरे आ गई बेटा। हाँ माँ। अरे वाह, खरीदारी करके आई है? हाँ, ये तुम्हारे लिए, ये मेरे लिए। रंजना के लिए नहीं लाई? कोई बात नहीं, देखती, बहुत सुंदर है। देख, मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, ये ना मैं रंजना के लिए रख देती हूँ। माँ, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। जा, एक बार पहन के दिखाओ कैसी लगोगी। कोई बात नहीं बेटा, अब रंजना के लिए कुछ लाई नहीं हो तो नाराज हो जाएगी ना। उसको दूंगी मैं ये। माँ, रंजना कैसे नाराज हो सकती है, वो हमें छोड़ के जा चुकी है। माँ, रंजना मर चुकी है। चुप, मरी नहीं है वो, उसके लिए रखूंगी मैं। रंजना कहाँ चली गई अपनी माँ को छोड़ के, कहाँ चली गई? भाई साहब, कुछ दिन पहले किसी ने दवाई खरीदी थी, ध्यान से देखिए। सर, क्लोए फर्नांडिस की लोकेशन रिकॉर्ड से ये नया लीड मिला है। मनेसर में नहीं थी, दिल्ली में थी। जी सर। सर, ये मकबूल है, सिटी मेडिकल में काम करता है। जो मुझे बताया ना, वो साहब को बता। सर, वो जो लड़की के बारे में पूछ रहे थे ना, वो हमारे मेडिकल स्टोर पे आई थी। मेरे मालिक ने आपसे झूठ बोला था, वो नींद की गोली लेने आई थी। मैडम, डॉक्टर का नाम क्या लिखूं? क्लोई फर्नांडिस। भैया लीजिए, थैंक यू। अरे मैडम, रिसीप नहीं चाहिए भैया। ठीक है, जाओ इसके मालिक को अरेस्ट करो और क्लोई को भी अरेस्ट करके लाओ। सर, मैंने पता किया, वो घर पे नहीं है। उसके घर के बाहर एक कॉन्स्टेबल बिठाओ और जैसी आती है लेकर आओ। सर, टाइम वेस्ट नहीं करते। हमें पता है कि तुम मनेसर नहीं गई थी, दिल्ली में थी। तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की बनती नहीं थी। तुमने बहुत सारी नींद की गोलियां खरीदी, घर गई, माँ से झगड़ा हुआ तो उसे वो सारी नींद की गोलियां खिला दी ताकि उसकी मौत सुसाइड लगे। मेरा मॉम से झगड़ा हुआ था, ये सच है। मैं मनेसर नहीं गई थी, ये भी सच है। पर वो मेडिसिन मैंने मॉम के कहने पे ही खरीदी थी, मैंने मॉम को नहीं मारा। तुम मनेसर नहीं गई थी तो कहाँ गई थी? वो बोलो बोलो। वो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो अबॉर्शन करवाने गई थी। मैं मॉम को नहीं बताना चाहती थी वो सब बातें। और शायद ये सारी बातें उसे पता चल गई और इसलिए तुमने उन्हें मार दिया। मॉम ने सुसाइड किया है एक्चुअली, मैंने ही उनको गलत समझा था। क्या गलत समझा? मैरी मैडम कहाँ है? मैडम, ये इन्होंने मेरे साथ शोषण करने की कोशिश की है। क्या, दिखने में तो पढ़ी लिखी लगती हो और ऐसे काम करती हो? नहीं मैडम, मैंने इनके पास काम के लिए आई थी और इन्होंने मुझे एडवांस भी दिया था। पर जब मैं वो एडवांस वापस देने आई तो इन्होंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए बल्कि तू चाहिए। और इन्होंने मेरे साथ, ये तुम्हारी बेटी है ना, तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसी हरकत करे तो शी मॉम, आप इस लेवल तक गिर जाओगी ना, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था। आई हेट यू क्लोई। ये सबका तुम्हारी मॉम के सुसाइड से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है सर, इस इंसिडेंट के बाद मेरी और मॉम की दूरी बहुत बढ़ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी और मॉम की रिलेशनशिप की सच्चाई किसी को भी पता चले, बिकॉज़ आई एम वेरी अशेम्ड ऑफ इट। बस इसीलिए मैंने ये सब आपसे छुपाया। क्या ये सुसाइड नोट? मैं हमेशा इसे अपने पास रखती हूँ। डियर क्लोई, मैंने किसी का शोषण नहीं किया। मुझे मंजू वर्मा ने ब्लैकमेल करने के लिए जानबूझकर फंसाया। मैंने बहुत बार तुम्हें समझाने की कोशिश की लेकिन तुम मुझे कभी समझ नहीं पाई। जब अपनी खुद की वन एंड ओनली चाइल्ड नफरत करने लगे तो लाइफ का कोई मीनिंग नहीं होता। इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। बी हैप्पी, योर मॉम मेरी। इस चिट्ठी में जिस मंजू वर्मा का जिक्र है, क्या वो यही है? ये वही है जिसने हमारी लाइफ हेल्प कर दी। क्या उस लेडी ऑफिसर का नाम जानती हो? हाँ, मैंने नेम टैग पढ़ा था, कविता मलिक।
सर कविता तो हमारे पुलिस स्टेशन में है। मंजू अरुण को उठा कर लो। सर इसको पहचानती हो कविता? जी सर, इसका दो बार शोषण हुआ है, कल्प्रिट के नाम भी याद है मुझे सर, सुनील मेहता, मैरी फर्नांडिस। इसने तुम्हारे नाम का गलत इस्तेमाल करके मैरी फर्नांडिस को ब्लैकमेल किया, लेकिन मैरी फर्नांडिस के सुसाइड ने इसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारे इस ब्लैकमेलिंग के धंधे के बारे में रंजना को पता चल गया था और इसलिए तुमने उसे मार दिया? सर नहीं, मैंने रंजना को नहीं मारा है सर, और ना ही मैंने मैरी को ब्लैकमेल किया है सर, मैरी ने ही मेरा शोषण किया था। और सुनील? आप तो जानती है ना, सुनील ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, मैंने रंजना को नहीं मारा है। तुमने रंजना को मारा है या नहीं मारा है वो तो पता चली जाए, और मैरी को ब्लैकमेल किया या नहीं किया वो भी। जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक शहर छोड़कर बाहर मत जाना। इस सुनील मेहता के केस के बारे में पता करो। सर बताइए। कृष्णा बता। घबराओ नहीं, बोलो। सर एक लड़की ने मुझे प्यार में फंसाया और फिर मुझसे पैसे मांगने लगी, बोली कि पैसे दो वरना रेप केस में फंसा दूंगी। वो लड़की ये तो नहीं? हाँ सर यही थी, मंजू वर्मा। इस लड़की को हमने हिरासत में ले लिया, अब अपना नाम और एड्रेस वगैरह इस पर लिख दीजिए, हम उससे आपका सच भी उगलवाएंगे और आपके पैसे भी वापस दिलवाएंगे। अच्छा वो लड़की अकेली थी या उसके साथ कोई पुलिस वाली भी थी? सर पुलिस वाली भी थी। सर उसी से तो ये डर गया था। ये थी वो? हाँ ये थी। ठीक है आप लोग जाइए, आपको बाद में कांटेक्ट करेंगे। ओके चलो। मिश्रा, सुनील मेहता, मैरी फर्नांडिस और ये लड़का कृष्णा शर्मा, मुझे लगता है इन तीनों के अलावा मंजू और कविता ने और भी लोगों को कॉन किया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस कविता को गिरफ्तार करने के लिए हमें कोई दमदार सबूत चाहिए। राइट सर। मंजू के कॉल और लोकेशन रिकॉर्ड निकलवाओ। जी सर। और मेरी सुनील मेहता से बात, वो मंजू के बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। सुनील मेहता, करे कोई भरे कोई, मंजू का बदला उसकी बहन रंजना से निकाल लिया। मतलब क्या है आपका? सर इस पूरे कांड में विक्टिम मैं ही हूँ और आप लोग मुझे ही दोषी साबित करने में लगे हुए हैं। पहले वो आपकी एएसआई कविता और अब आप लोग। सच तो ये है सर, इसी वजह से आजकल लोग पुलिस का भरोसा नहीं करते। पुलिस का भरोसा हम वापस जगा लेंगे और कविता को उसके किए की सजा भी मिलेगी। मैं हवा में फायर नहीं कर रहा हूँ, ये आपके मोबाइल कॉल रिकॉर्ड जिसके हिसाब से 12 जून को 4 बजे आपकी लोकेशन क्राइम स्पॉट के पास दिख रही है। सर ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मोबाइल की लोकेशन 100% करेक्ट नहीं होती। मेरा घर और मेरी दुकान के बीच में मेरा मोबाइल है, वो एक ही टावर से नेटवर्क कैच करता है। जाहिर सी बात है रिकॉर्ड्स में थोड़ा तो कंफ्यूजन होगा ही। काफी जानकारी रखते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी की। एक सेकंड सर। रघु ये कार बार बार ऑन ऑफ क्यों कर रहा है? अरे बेवकूफ एक जगह पार्क कर दे। सॉरी सर। हर कोई रंजना का फायदा उठाना चाहता था, उसकी बिजनेस पार्टनर कोको जिसने उसके पैसे मार लिए थे, उसका बॉयफ्रेंड जो उस पर गोवा जाने का प्रेशर बना रहा था, और सुमित जिसके घर के पास रंजना का मोबाइल ऑफ हुआ था। पुलिस को सब पर शक था लेकिन किसी के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे। देखते ही देखते ऐसे 10 मामले सामने आए जहां मंजू वर्मा ने शोषण के नाम पर कविता मलिक की मदद से अलग अलग औरतों और मर्दों को ब्लैकमेल किया, लेकिन रंजना के मर्डर केस का रहस्य अब भी बना हुआ था। तुम दोनों ने मिलकर बहुत सारे लोगों को चूना लगाया और तुम्हारे गुनाह साबित करने के लिए मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं और तुम्हारी बकवास सुनने के लिए बहुत कम सब्र, तो फटाफट सच बोलना चालू कर दो। सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सर सुनील ने सच में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और मैडम गई भी थी मेरे साथ। बबीता, बबीता प्लीज रुक जाओ, मैंने कुछ नहीं किया, तुम यकीन क्यों नहीं करती? इसकी बीवी चली गई इसमें तेरा क्या फायदा हुआ? मैं समझी नहीं मैडम। देख अगर तू अभी इसके खिलाफ केस दर्ज करती है इसे जेल तो हो जाएगी लेकिन ये झट से बेल पे छूट जाएगा, बदनामी तो तेरी होगी ना, समझ रही है? इसकी हालत ऐसी है कि अभी तो उससे जितने पैसे मांगेगी ना
वो दे देगा तुझे, मांगते रहना और उसमें से 50% मुझे दे देना। लेकिन मैडम अगर इसने मेरे ही खिलाफ रिपोर्ट करा दी तो? ये वर्दी किस दिन काम आएगी? और फिर मैंने सुनील से पैसे लेना शुरू कर दिया और उसके बाद मैरी को बेवकूफ बनाया। आई हेट यू मॉम। देखा कैसे आपकी बेटी ने रिएक्ट किया। सोचो अगर ये बात बाहर दुनिया में निकलेगी तो कितनी बदनामी होगी। मेरी बात मानो, मंजू को कॉम्पेंसेट कर दो, ये बात पुलिस स्टेशन तक नहीं जाएगी, ये मेरा वादा है। मंजू पैसे लो। इसके अलावा 8 और लोग थे जिन्हें तुमने ब्लैकमेल किया था, जिसमें वो छोटा लड़का कृष्णा शर्मा भी है। अब ये बताओ कि तुम दोनों ने मिलकर रंजना को क्यों मारा? सर हमने रंजना को नहीं मारा सर, इसीलिए मैंने सोचा कि धीरे धीरे इस ब्लैकमेलिंग के खेल में मैं रंजना को भी शामिल कर लूँगी, इसीलिए पैसा वसूली के टाइम पे मैं रंजू को अपने साथ ले जाने लगी। ऐसे में आप ही सोचिए सर, मैं रंजना को क्यों मारूंगी? पता चलेगा। मिश्रा इन दोनों को 8-10 दिन यहीं रखो और इनके सारे कारनामों की न्यूज़ मीडिया को दे दो, तब ये सब उगलेंगे। सर अगर ये दोनों सच कह रहे हैं तो रंजना का कातिल कोई और है और वो अब भी बाहर है। ओखली में सर दे दिया मेहता जी आपको। आपके ही GPS ट्रैकर से ये पता चल गया कि 12 जून को आपकी गाड़ी उसी जंगल में गई थी जहां पर हमें रंजना की लाश मिली। शुरू हो जाइए। हाँ सर, मैंने रंजना को मारा। सर को कहाँ जा रहे हैं? रुको तो। सर रंजना को मैंने मारा है, इन्होंने नहीं मारा। मुझे बचाने की कोशिश मत करो। नहीं, मुझे यकीन कीजिए मैंने मारा रंजना को। ये झूठ बोल रहे हैं सर। सर ठीक है मान लिया आपने मारा, कैसे मारा? सर मैं गुस्से में था, मेरे हाथ में फ्लावर पॉट आ गया, मैंने उसके सर पे मार दिया और वो मर गई सर। नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने दुपट्टे से गला घोट के उसे मार डाला। देखिए एक दूसरे को बचाने से कोई फायदा नहीं होगा, सजा आप दोनों को होने वाली है क्योंकि आप दोनों पार्टनर इन क्राइम। वैसे रंजना की मौत दुपट्टे से गला घुटने से हुई थी। बोलिए बबीता जी। ये जब घर पहुंचने वाले थे तो उसके पहले ही मैं कुछ सामान लेने के लिए पहुंच गई। कौन हो तुम? मैं रंजना, मंजू की बहन। क्या काम है? साहब से मिलना था। बोलो। वो नहीं बता सकते। ठीक है अंदर आ। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं होश में नहीं थी। देखिए अनजाने में ही सही, गलती तो हुई है और उसकी सजा भी मिलेगी कोर्ट में। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी के साथ समझौता किया, दूसरों के लिए अपनी खुशी दांव पे लगा दी, लेकिन अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। अपने लिए जीना कोई पाप तो नहीं? हाँ मैं कोई पाप नहीं कर रही। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। नाकाम रिश्ते वो नासूर होते हैं जो जब चुभते हैं तो सहने की दवा भी नहीं मिलती, लेकिन जिंदगी को एक दर्द मानकर जीते चले जाना भी एक भूल है और वो चुप्पी भी एक जहर है जो हमसे बोलने का साहस छीन लेती है। ये केस भी इसी डगमगाते साहस से जुड़ा था जिसको आवाज की जरूरत थी, लेकिन गुनहगार इतना बेखौफ था जिसने कई जिंदगियों को खामोश कर दिया। Thank you.
प्यार से समझा रहा हूँ, तेरी समझ में नहीं आ रहा? मुझे मत मारो प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मारो मत प्लीज, मुझे छोड़ दो। पिन बोल तेरे कार्ड का। मेरे अकाउंट में खर्च में पैसे नहीं है। पिन बोल तेरे कार्ड का। मैं खुली आंखों से एक डरावना सपना देख रही थी। मेरे चारों ओर नरक था। पापा बोलते थे मैं भाग्यवान हूं, पर दुर्भाग्य मेरे माथे पे लिखा था। मेरा चेहरा रोज मुझसे सवाल करता, मैं किसके लिए सज रही हूं? पर बिन बोले मैं उस लिबास में रंग जाती जो चार दीवारें में सजा और समाज में औरत की मजबूरी बन जाता है। रेनुक, तू अभी तक नाराज है मुझसे? अच्छा सॉरी ना, देख तुझे पता है ना मैं बुरा आदमी नहीं हूं, मेरा नशा बुरा है। अब मेरी फैक्ट्री बंद ना हुई होती ना तो तुझे काम नहीं करने देता मैं, पलकों पे बिठा के रखता मैं तुझे। अरे यार मैं बात कर रहा हूँ तुझसे, तू अवॉइड कर रही है मुझे। कपड़े उतार दूँ? अगर ये भी कपड़े तुमने फाड़ दिए तो ज्यादा कपड़े नहीं बचेंगे मेरे पास पहनने के लिए। आज लेट हो गया। हाँ चलो, ना इंसाफी सहना भी किसी गुनाह से कम नहीं होता, मुझे इस बात का भी एहसास था। लेकिन मैंने एक जलते चिराग की रोशनी के नीचे का अंधेरा चुन लिया था। लॉयर के साथ काम करते हुए भी मैं अपने साथ कभी इंसाफ नहीं कर पाई। अरे नहीं नहीं शिल्पी, होटल का मामला बहुत रिस्की रहेगा, सीसीटीवी से बचना भी तो है हमको। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं। ये तेरा आने का टाइम है हा? पूरे एक घंटे लेट है तू, आज की सैलरी कटेगी तेरी। समझी? सर। अरे वकील, क्या बोल रहे थे तने? हैं? अरे मानिक भाई को वो सजा दे छुड़ाएगा, मैं 7 साल की सजा सुना दी कोर्ट ने। अरे भाई मैं मानिक भाई की अब जमानत करवा दूंगा। अरे चुप, भाभी पूछ, अधारी जरूरत ना हमें, हमने जो तुझे 5 लाख रुपए फीस दी थी ना वो वापस कर वरना। भाई 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 देखो मेरे पास अभी पैसे नहीं है लेकिन मैं बहुत जल्दी बंदोबस्त करवाऊंगा, थोड़ा टाइम दे दो मुझे। मेरे लिए नाश्ता ना बनाना पड़े इसलिए जॉगिंग से लेट आते हो ना? जॉब तो तुमसे होती नहीं है, कम से कम किचन ही संभाल लिया करो। आमीन, मैं दोस्त से नौकरी की बात करने गया था। ऐसे जॉगिंग के कपड़ों में? हाँ वो जॉगिंग के बाद ही मिला। तुम बस रहने दो, अब तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। सही कहते थे भाईजान, तुमने मुझसे निकाह भी बस इसीलिए किया ना ताकि मैं कमाऊं और तुम घर बैठ कर खाओ।
हाँ बस 15 मिनट में पहुंच रही हूँ मैं। नहीं नहीं और लेट नहीं होगा सर, मैं आ रही हूँ। बताना पड़ेगा। ठीक है बता दूं। तो मैं तुम्हारे बारे में अभी के अभी पुलिस को बता दूंगी। हाँ पुलिस को बताएगी? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। सर मेरी बीवी रेणुका है, कल से फोन नहीं लग रहा, पता कीजिए ना कहाँ है। आखिरी बार कब देखा? कल सुबह जब वो ऑफिस गई थी सर। शिवम नाश्ते में आलू पराठे बनाए हुए हैं और लंच के लिए दाल राइस, याद से खा लेना। पर तुम तो मेरे लिए चिकन बनाने वाली थी ना। सॉरी लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, मैं रात को बना दूंगी चिकन पक्का। कोई बात नहीं, सुनो 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 आप इधर। क्या हुआ? बहुत सुंदर लग रही हो तुम भी ना। चलो बाय। अच्छा सुनो ऑफिस से आते हो चिकन ले आना। हाँ हाँ सर। कल रात को रेणुका जब घर नहीं आई तो मैंने चिकन शॉप पे भी पता किया लेकिन कहीं पता नहीं चला। रेणुका के ऑफिस में पता नहीं किया? वो सर ऑफिस मतलब मुझे मालूम नहीं सर ऑफिस कहाँ है उसका। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी बीवी कहाँ काम करती है? नहीं नहीं सर, वो 3-4 महीने पहले ही काम शुरू किया था उसने। काम क्या करती है वो? सर एक वकील के पास काम करती है, इससे ज़्यादा रेणुका ने कुछ बताया नहीं। क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर, लेकिन अभी साफ कर देती हूँ, वो कलीग है मेरा। आमीन, मैंने तुमसे कुछ कहा कि तुम सफाई दे रही हो? पर एक बात बताओ, तुम जब सुबह घर से गई थी तुमने सूट पहना हुआ था, वापसी में ये? हाँ वो शॉपिंग की मैंने, क्या ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती मैं? आमीन तुम अच्छे से जानती हो मैंने कभी भी तुम पर कोई रोक टोक नहीं लगाई है। लेकिन आप शक करने लगे हो तो मेरे ऊपर। शादाब तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़कर आई हूँ मैं यहाँ पर, तुमने कभी समझने की कोशिश भी की मुझे? अरे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं लिया। अरे दो दिन से झूठी तसल्ली दे रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं हाँ, हमें झूठी तसल्ली मत दीजिए, हमारी बीवी को नहीं ढूंढेंगे, हम यहाँ बैठे रहेंगे, हिलने वाले नहीं, हम यहाँ से तसल्ली दे रहे हैं हमें। चुप बैठो, हम कोशिश कर रहे हैं। चुप बैठो, हम चुप बैठे थे ना, हम रिपोर्ट लिखवा के गए, दो दिन से कह रहे हैं। कल 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 आएगा आपका कल। कौन है? श्री शिवम, दो दिन पहले अपनी बीवी रेणुका की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने आया। सर मेरी बीवी रेणुका है, कल से फोन नहीं लग रहा, पता कीजिए ना कहाँ है। सर जितना कंसर्न ये अपनी बीवी के लिए दिखा रहा है, असल में कहानी पूरी उल्टी है। इसके पड़ोसियों ने कहा कि ये शराब पी के अपनी बीवी से झगड़ा करता। तो तुम्हें लग रहा है कि इसने खुद अपनी बीवी को गायब किया होगा? सर अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन रेणुका की माँ और भाई ने भी इसी पे शक जताया है। सर रेणुका का गायब होने का आपसे ही पता चला, शिवम ने तो हमें एक कॉल भी नहीं किया। आपको क्या लगता है शिवम को छुपा रहा है? सर भगवान ना करे रेणुका को कुछ हुआ, मगर वो शिवम के साथ में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ये शिवम ये भी नहीं जानता था कि रेणुका काम कहाँ करती। आप लोगों को कोई अंदाजा है कि उसका ऑफिस कहाँ था? सर इसके बारे में उसने हमें कभी कुछ नहीं बताया। कमाल है, पति तो पति, रेणुका की माँ और भाई को भी नहीं पता कि रेणुका कहाँ काम करती थी। जी सर। सर रेणुका के कॉल रिकॉर्ड जल्दी आ जाएंगे,
होपफुली उससे कुछ लीड मिल जाए। सर मैं मानता हूँ शराब पीता हूँ, कभी कभी रेणुका से झगड़ा भी होता था, पर रेणुका के बारे में कभी गलत नहीं सोचा सर। ज्यादा चालाक मत बन। रेणुका की माँ और भाई का कहना है कि तूने ही गायब किया है रेणुका को। सर वो आजकल मैं जेब से हल्का हूँ ना, तो मेरे चरित्र को भी हल्के में लेते हैं सर। हेलो, भाभी जान कैसी हैं आप? जी मैं जुबेर, शादाब का दोस्त। आप भूल गए, आपके बर्थडे पे मुझे भी इनवाइट किया था शादाब ने। हाँ लेकिन आप यहाँ कैसे? अरे वो एक्चुअली एक जगह पे शादाब के लिए जॉब की बात की थी मैंने, लेकिन उसको नंबर मिला, उसका नंबर नहीं लग रहा, कहाँ है वो? वो एक्चुअली जुबेर, शादाब तो कई दिनों से मिसिंग है। शादाब मिसिंग है? हाँ पुलिस में भी कंप्लेंट की लेकिन अभी तक तो कुछ पता ही नहीं चला। आमिन तुम मेरा फोन कट क्यों कर रही हो? कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें, गाड़ी लॉबी में ले आऊँ? चलिए जल्दी चलो। अच्छा जुबैर अभी मुझे जरूरी काम से जाना है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी मालूम चलता है ना तो प्लीज मुझे बता। चलो लेट हो जाए। जुबैर स्टेट लेवल पे मैंने रनिंग के लिए कितने अवार्ड जीते हैं, जिंदगी के रेस में मैं बहुत पीछे छूट गया यार। कैसी बात कर रहा है यार, तुझे पता है अगर तुझे अस्थमा नहीं होता तो तू अच्छा होता। जिस लड़की के लिए मैं अपने घर वालों से लड़ गया, आज उस लड़की ने ही मुझे दुत्कार दिया। हाँ ठीक है, टीम को जल्दी यहाँ भेजो। हाँ ठीक है ओके। कुछ लोग गुजर रहे थे, उन्होंने बॉडी को देख के हमें इन्फॉर्म किया। सर यहाँ ही ये देखिए, ये कटा हुआ सिर रेणुका के चेहरे से मैच करता है। ये मर्डर जरूर किसी कंस्ट्रक्शन साइट या फिर बिल्डिंग मटेरियल गोडाउन के आसपास किया है। आसपास पता करो, पूछताछ करो। सर सर इसके अलावा ये भी पता चला है कि 3 दिन पहले रेणुका का फोन नंद विहार एरिया में स्विच ऑफ हुआ और उसी दिन करीब 11:30 बजे उसे नंद विहार के एक पीसीओ से कॉल किया गया। सर मैंने मनीषा को उस पीसीओ पे भेजा था, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि वो फोन किसने किया था, ना ही वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा था। हो सकता है रेणुका को फोन करके नंद विहार बुलाया गया हो। यहाँ से लेकर नंद विहार तक का एरिया अच्छे से स्कैन करो। जी सर। शर्मा रेणुका के ऑफिस का पता चला? सर उसके पति ने कहा था कि वो किसी लॉयर के पास काम करता है, उसके कॉल रिकॉर्ड में एक लॉयर का नंबर मिला है, सुबोध मिश्रा। सुबोध मिश्रा सर एक्सक्यूज मी। हाँ मनीषा बोलो। सर रेणुका के घर के पास एक ऑटो स्टैंड से पता चला है कि वो अक्सर एक शंभू नाम के आदमी के ऑटो में ऑफिस आया जाया करती थी। तुम मिली उस ऑटो वाले से? सर वो अभी ऑटो स्टैंड पे नहीं मिला। पता करो वो कहाँ है। हाँ अब मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अरे जिंदल साहब कैसे आना हुआ यहाँ? क्या बात है सुबोध जी, जब भी हम मिलते हैं गलत कारणों से मिलते हैं। पिछली बार भी जब आपसे मुलाकात हुई थी तो आप एक क्रिमिनल को डिफेंड करने की कोशिश कर। अरे सर अपने क्लाइंट्स को डिफेंड करना ये तो पेशा है मेरा। रेणुका को तो आप जानते ही होंगे। हाँ हाँ रेणुका टाइपिस्ट है मेरी, लेकिन बहुत दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है वो। रेणुका के पति ने हमें बताया कि रेणुका 10 अगस्त को यहाँ आपके ऑफिस आने के लिए निकली थी और उसके बाद हमें उसकी लाश मिली। क्या रेणुका की लाश? 10 अगस्त को रेणुका यहाँ आपके ऑफिस आई थी? नहीं सर 10 अगस्त से ही उसने आना बंद कर दिया था ऑफिस। 10 अगस्त को 10:15 बजे आपने रेणुका को फोन किया था? फोन किया था? हाँ याद आ गया सर, मैंने उसको फोन किया था। तुझे मालूम था ना रेणुका कि आज तुझे कितना इंपॉर्टेंट केस हैंडल करना है, मगर तू आज भी लेट हो गई। हाँ बस 15 मिनट में पहुंच रही हूँ मैं। नहीं नहीं और लेट नहीं होगा सर, मैं आ रही हूँ। मैं तो वेट करता रह गया सर, मगर वो ऑफिस नहीं पहुंची और उसके बाद उसका फोन भी बंद आने लग गया, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मगर क्या है ना उसके हस्बैंड का मेरे पास नंबर भी नहीं था तो मैं। कमाल है, आप रेणुका के घर वालों के बारे में नहीं जानते और रेणुका के घर वाले आपके बारे में नहीं जानते। वैसे रेणुका कब से काम कर रही थी आपके यहाँ? यही करीब 3 महीने पहले न्यूज़पेपर में हमारी ऐड देख करके वो इंटरव्यू देने के लिए आई थी। सर वो ज़रूरतमंदी नहीं बेहद ही डेडिकेटेड लड़की थी। मुझे तो बहुत धक्का लगा सर ये जानकर कि उसका मर्डर हो गया। कौन कर सकता है ऐसा, किसी पर शक है आपको? सर नो आइडिया। इस सुबोध को सालों से जानता हूँ, इसने कभी भी अपने ऑफिस के अंदर या बाहर सीसीटीवी नहीं लगवाया और ऑफिस भी इसने एक अलग थलग जगह पर खोला है। गलत लोगों का केस लड़ता है, उनके लिए तिकड़म करता रहता है, उनका आना जाना रहता है, इसलिए।
सर क्या आपको लगता है कि ये सुबोध झूठ बोल रहा था? हो सकता है रेणुका भी इसी की तिगड़म का शिकार हुई। सुबोध की रिसेंट एक्टिविटीज का पता करो और उस ऑटो वाले पे भी नजर रखो। 10 अगस्त को उसका ऑटो नंद विहार में देखा गया था जहां पर रेणुका का फोन बंद हुआ था। जी सर। तो इसके अलावा ये भी पता चला कि नंद विहार से कुछ ही दूरी पे गोकुल विहार है जहाँ पे रेणुका के भाई की दुकान है। सर क्या कोई भाई अपनी बहन को इतनी बहरे में से, वो भी बिना किसी क्लियर मोटिव के? एंगल और मोटिव तो सबके ढूंढने पड़ेंगे। ये शिवम भी मुझे कोई दूध का धुला नहीं लगा। क्या ये? अरे इतने दिन से कह रहा हूँ चिकन खाना चिकन खाना चिकन खाना है, समझ में नहीं आता तेरी? चिकन मुफ्त का नहीं आता, तुम्हारे शराब के वजह से घर में पैसे नहीं है। ये घर का सामान बेच के तुम्हारे लिए चिकन लाऊं क्या? नहीं सर, ये शादाब नहीं है। ये बॉडी हमें उस एरिया के पास मिली है जहाँ पे शादाब का फोन आखिरी बार बंद हुआ था। माना कि लाश का चेहरा पहचानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लाश के राइट लेग पे सर्जरी के मार्क्स हैं। क्या शादाब की बॉडी पे ऐसे कुछ मार्क्स थे? सर शादाब डिप्रेशन में कहीं चला गया है, वो मरा नहीं है। आप प्लीज उसे ढूंढिए, प्लीज सर। हाँ सर, मेरी भी शॉप नंद विहार में ही है, लेकिन 10 अगस्त तो क्या रेणुका को मुझसे मिले हुए बहुत समय हो गया था। क्या लगता है आपको कौन कर सकता है रेणुका के साथ? सर मुझे लगता है सब कुछ ना शिवम का किया धरा है। उसने मेरी बहन को इतना मजबूर कर दिया था कि उससे मार खा के भी वो हमारे पास उसके लिए पैसे मांगने आती थी। मैंने बोल दिया है उसे, वो दोबारा पैसे नहीं मांगेगी। अरे पर मेरे पास पैसे होने चाहिए ना देने के लिए। अब 20-25 हजार की बात होती तो मैं दे देता, लेकिन 3 लाख? भैया जितने पैसे है आपके पास उतना ही दे दो, चलेगा। सर वो शिवम को लेकर इतना डरी हुई थी कि कुछ ना कुछ लेकर जाना ही चाहती थी, और शिवम उसको सिर्फ पैसे के लिए परेशान नहीं करता था। दरअसल उन्हें कोई बच्चा नहीं था और इसकी वजह भी वो रेणुका को ही मानता था। कमी शिवम में थी, लेकिन इसके लिए भी वो मेरी बेटी को दोषी ठहरा रहा था। सर वो लोग मेरी खुददारी पर उंगली उठा रहे हैं, मैंने रेणुका को कभी उनके पास पैसे लेने को नहीं भेजा। खुददार है तू? खुददार है तू? रेणुका के सारे पैसे दारू में उड़ा था और बोलता खुददार है, खुददार है तू? सर जब तक मेरी फैक्ट्री चालू थी मैंने रेणुका को कोई कमी नहीं होने दी। हाँ सर मानता हूँ कि हमारा झगड़ा होता था, मैं उसे मारता था, पर मेरा मन जानता है सर मैं उसे उतना ही प्यार भी करता था। शिवम, रेणुका की माँ, रेणुका का भाई कार्तिक, इनमें से कौन सच बोल रहा था फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं मिला था। लेकिन जिस सीमेंट के गनी बैग में रेणुका की लाश के हिस्से मिले थे, पुलिस उसके जरिए भी वो क्राइम सीन ढूंढने की कोशिश कर रही थी जहाँ रेणुका का मर्डर करके उसकी लाश के टुकड़े कर दिए गए। रेणुका का बॉस लॉयर सुबोध मिश्रा और वो ऑटो वाला शंभू दोनों पुलिस की रडार में थे। वहीं दूसरी तरफ एक शादाब नाम का आदमी भी लापता था जिसका गायब होना भी रहस्यों से भरा हुआ था। शंभू कुछ बोलेगा कि ऐसे ही चुप रहेगा? और शंभू, 10 अगस्त की सुबह रेणुका ने 13 ऑटो लिया था। हाँ साहब। कहाँ छोड़ा था उसने? वहीं रोज की तरह जहाँ उनको ऑफिस के बाहर छोड़ता था। लेकिन रेणुका के बॉस का कहना है कि वो उस दिन ऑफिस पहुंची ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है साहब, मैंने तो उनको वहीं ऑफिस के बाहर खुद छोड़ा था, और साहब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था उनको ऑफिस के अंदर जाते हुए। सर क्राइम सीन का पता करने के लिए हम रेणुका के फोन के IMEI नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता चला कि रेणुका का फोन सुबोध के ऑफिस के वाईफाई से कनेक्टेड रहता था, पर 10 अगस्त की सुबह 11 बजे तक उसका फोन सुबोध के ऑफिस के वाईफाई से कनेक्टेड था। मतलब रेणुका उस दिन ऑफिस गई थी? सर लग तो ऐसे ही रहा। और सर सुबोध के कॉल रिकॉर्ड्स में एक शिल्पी नाम की लड़की का नंबर मिला है। सर ये नंबर भी 10 अगस्त से बंद है, और 10 अगस्त को इस नंबर की मोबाइल की लोकेशन भी सुबोध के ऑफिस के एरिया की है। शिल्पी, लेकिन इस शिल्पी का रेणुका के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है?
हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ। क्या हुआ मालती, नहीं घबराई हुई हो? नहीं कुछ नहीं। एक ग्लास पानी पिला दो। हाँ अभी लाई। अरे संभल के मालती, क्या कर रही हो, गिर जाओगी, आराम से। सर मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था सर, इसलिए आपसे झूठ बोलना पड़ गया सर। तो 10 अगस्त को रेणुका तेरे ऑफिस आई थी? हाँ सर, लेकिन सिर्फ 11 बजे तक ही थी। सर बस 15 मिनट में ही रिपोर्ट हो जाएगी। अरे तुम्हारे 15 मिनट तो कभी पूरे नहीं होते। एक काम करो, छोड़ो इसको और जाओ घर। नहीं सर, सर मैं दोबारा ऐसा नहीं होगा सर। मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ, आज की छुट्टी दे रहा हूँ, इसको छोड़ो और जाओ। सर मैंने शिल्पी के कारण रेणुका को छुट्टी दी थी, लेकिन लेकिन क्या? अरे शिल्पी कौन है? शिल्पी मेरी साली है और शिल्पी उस दिन ऑफिस आने वाली थी सर। सर शिल्पी और मेरे रिश्ते का शक मेरी वाइफ को ना हो जाए, इसलिए हम लोग छिप छिप के मिलते थे सर। अरे शिल्पी, अरे अरे क्या करती है, कम से कम दरवाजा तो बंद करने दो। तुम्हारी अर्जी फिर से रिजेक्ट कर दी कोर्ट ने। मैं तुम्हारे पैसों को बंदोबस्त कराता हूँ। अरे थारा बंदोबस्त तो अब करेंगे हम। लेके चल इसमें। सर बोलो मेरी साली को लेकर चले गए सर। सर उन्होंने अभी भी शिल्पी को अपने पास किडनैप करके रखा हुआ है और मुझसे पैसे मांगते रहते हैं सर, और उन्होंने इसी तरीके से ना रेणुका को उठाने की भी कोशिश की थी सर। जब तक तू बंदोबस्त करेगा ना, तब तक थारा यो बंदोबस्त हमारे साथ रहेगा, और अगर बंदोबस्त ना हो पाया ना तो हम इसने बेच देंगे। थाले भाई नहीं, मेरी बात तो सुनिए, मैं आपके माणिक भाई को जेल से निकलवा सकती हूँ। मैं निकलवा सकती हूँ माणिक भाई को। कैसे? मैं सुबोध सर के कहने पे मैंने जमानत की एक ऐसी अर्जी तैयार की है जो कोर्ट में रिजेक्ट नहीं होगी। तारी सूरत देख के एक मौका और दे रहा हूँ, तो इस बार भी जमानत ना हुई ना तो तुम दोनों जब्त हो जाओगे, समझे? अबे तो ये बात तूने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? कौन है बोलो? सर वो माणिक के आदमी सर। सिर्फ शिल्पी को उठाया था, ये रेणुका के साथ तो हमने कुछ भी ना किया था। सर नंद विहार में एक जगह का पता लगा है, पूरे एरिया को अच्छे से कवर करो, किसी को आने मत दो। सर ये पूरा एरिया डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में आता है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था लेकिन फिलहाल काम रोक दिया गया है, इस पूरे चौल में कोई नहीं रहता है। और सर यहाँ आइए, सर ये देखिए बिल्कुल वैसी ही सीमेंट की बोरियां हैं जैसे बोरी में रेणुका का सर और हाथ मिले थे। सर ये आइए, सर ये अंदर आइए, ये देखिए। हो सकता है इसका कलर पान खाता हो। आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। ए, इसमें तो बहुत कम कैश है। लेकिन उसमें गहने भी हैं। नकली जेवर देकर मेरा काट रही है तू? सारे गहने असली हैं। अब मैं ना असली मर्द हूँ, मैं तुझे दिखा दूँ। सर शिवम सुबोध मिश्रा कार्तिक, तीनों ने कहा कि वो पान नहीं करते। एक तो
तरफ शादाब के गायब होने का केस गहरा होता जा रहा था और वहीं रेणुका मर्डर केस। पुलिस अब ऐसे अज्ञात इंसान की तलाश में थी जो पान खाता था। और तभी एक और केस आया। सर, जब मैं ऑफिस से आया तो दरवाजा अंदर से बंद था। मेरे पास घर की डुप्लीकेट चाबी है, तो मैं जब वो खोल कर अंदर आया, मालती, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मालती इस तरह से सुसाइड करेगी। लेकिन मालती सुसाइड क्यों करेगी? पहले बहुत खुश रहा करती थी वो, लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगे। वो अक्सर गुमसुम रहा करती थी। मालती, क्या हुआ? मुझे बताओ ना, क्या परेशानी है? मालती? सर, उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, और आज देखिए मालती के साथ। शर्मा, पता करो ऐसी क्या वजह हो सकती है जिस वजह से मालती ने सुसाइड किया होगा। ये मालती का पति कहीं हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है? रो रो कर जी जलाने से क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया ना, अब उसको बदला जा सकता है क्या? बदला जा सकता है, मगर तुमने बदलने नहीं दिया। मेरी बेटी अपनी तकलीफों में पीसती रही और तुमने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। तुम्हारी वजह से उसने मुझसे मिलना छोड़ दी। तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी को आखिरी बार माना। मैंने 500 पर पूछताछ करने लिए कहा था, लेकिन इस वजह से बाकी के एंकल्स को भूल जाओगे तुम लोग। रेणुका के मर्डर से एक महीने पहले तक की मैंने 15 लोकेशन को जीरो डाउन किया था। उन जगहों की सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं आई अभी तक? जल्दी करो सर। सर, वो सुसाइड करने वाले मालती के कॉल रिकॉर्ड में एक सस्पिशियस नंबर मिला, जो किसी शादाब नाम के आदमी का। सर, ये नंबर लखनऊ के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। लखनऊ पुलिस से बात हुई तो पता चला है शादाब एक महीने से गायब। गायब? जी सर, उसकी बीवी ने मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई। लेकिन सर, हैरानी वाली बात यह है कि शादाब के नंबर से मालती को रिसेंट टाइम्स में कॉल किए गए और मालती का पति भी शादाब को नहीं जाना। लखनऊ जाओ और शादाब के गायब होने की पूरी कहानी बता। सर, सर, रेणुका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। सर, रिपोर्ट से ही कंफर्म है कि उसका रेप हुआ था। लेकिन सर, चौंकाने वाली बात यह है कि वो 2 महीना प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? रेणुका की माने तो कहा था कि शिवम बाप नहीं बन सकता था, कुछ प्रॉब्लम थी। रेणुका प्रेग्नेंट थी, ये बात पता थी तुझे? नहीं सर, पर शायद वो मुझे बताना चाहती हो सर, उससे पहले उसकी मौत हो गई। जब मर्डर हुआ रेणुका का, तब वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। 2 महीने तक छुपाती है बात? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी वजह से तू? नहीं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता सर। रेणुका के चरित्र पे तो मैं उंगली उठा ही नहीं सकता सर। बुरी वो नहीं थी सर, बुरा तो मैं था। मैंने बहुत दुख दिया है सर उसे, इतने कि उसने ये खुशी भी मुझसे नहीं बांटनी चाहिए। रेणुका, वो तुम कह रही थी ना कि कपड़े कम हो गए हैं तुम्हारे, इसलिए माफ कर दो मुझे। जैसा भी हो, पति हो तुम्हारा। पति हो, मेरे तन पे हक जता के नोच सकते हो मुझे, और मेरा तन ढकने के लिए तुम्हारा दिया एक कतरा भी नहीं पहनूंगी मैं। मैं उसे खोना नहीं चाहता था सर, प्यार करता था उसे। नहीं सर, मैं इस लड़की को नहीं जानती, पर जिस नंबर की आप बात करें वो नंबर कभी शादाब ने इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन मालती को जिस नंबर से फोन आ रहा था वो भी शादाब के नाम पे रजिस्टर्ड। लेकिन सर, वो तो 1 महीने से मिसिंग है। आखिरी बार कब देखा था उसे? सर, उस सुबह मैं जब ऑफिस के लिए निकल रही थी तो मैंने देखा वो किसी बाइक वाले से बात कर रहा था, और फिर थोड़ी देर में उसी के साथ चला गया, और उसके बाद ना शादाब का कुछ पता चला और ना ही वो बाइक वाले का।
लेकिन सर मुझे याद है कि वो बाइकर ने खाकी पैंट पहनी थी और वाइट कलर के शूज पहने थे और उसकी बाइक भी वाइट कलर की थी। तो शादा आपको पहले उसके साथ कभी देखा था? नहीं सर, पहले तो कभी देखा नहीं, लेकिन बाद में मुझे लगने लगा था कि कहीं वो जुबैर तो नहीं था। जुबैर? कौन जुबैर? सर शादाब का दोस्त। पहले तो कभी इधर आया नहीं, लेकिन शादाब के गायब होने के 3-4 दिन बाद ही शादाब के बारे में काफी पूछने लगा था। मैं जुबैर, शादाब का दोस्त। वो एक्चुअली एक जगह पे शादाब के लिए जॉब की बात की थी मैंने, लेकिन उसको नंबर मिला, उसका नंबर नहीं लग रहा, कहाँ है वो? और मैंने जुबैर के बारे में इन सर को भी बताया था। सर रेणुका ने कभी हमें नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट थी। और सर शिवम तो बाप बन ही नहीं सकता। कार्तिक, ये कहकर तुम अपनी बहन रेणुका के चरित्र पर सवाल उठा रहे हो? अगर ये सच है तो फिर बताओ, रेणुका की जिंदगी में शिवम के अलावा और कौन था? नहीं नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सर वो शादाब की बीवी अपना किया छुपाने के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। तो तुम्हें लगता है कि शादाब के गायब होने के पीछे उसकी बीवी का हाथ? सर मुझे ऐसा शक है, क्योंकि उसका शादाब से झगड़ा भी हुआ था और अपने कलीग के साथ उसका अफेयर भी था। सर रेणुका के बैकग्राउंड में अफेयर का कोई क्ल्यू नहीं मिला, लेकिन ये शिवम से ही बोल रहा है, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। शिवम का डीएनए रेणुका के बच्चे के डीएनए से मैच करके देखना होगा। रेणुका कौन से मैटरनिटी क्लिनिक जाती थी ये पता लगे। सर मालती का मोलेस्टेशन? ये आप क्या कह रहे हैं सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मौत से पहले उसको सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा था, और मालती लगातार इस शादाब नाम के आदमी के साथ टच में थी, और शादाब के इस जुबेर नाम के दोस्त के बारे में भी हमें पता चला है। ध्यान से देखिए, आपने देखा था कभी मालती के साथ? नहीं सर, इनको नहीं देखा मैंने कभी। लेकिन सर एक बात है, घर से मालती के गहने गायब हैं। ए, इसमें तो बहुत कम कैश है। लेकिन उसमें गहने भी हैं। ये बात आप हमें अब बता रहे हैं? नहीं सर, मुझे लगा कि अगर गहने घर में नहीं है तो बैंक लॉकर में होंगे, लेकिन आज सुबह चेक किया तो वहां से गायब है सर। लेकिन फिर भी हाँ मनीषा बोलो। सर नंदविहार के पास के एक सीसीटीवी फुटेज मिली हमें, जिसमें रेणुका कैप्चर हुई थी। सर ये सीसीटीवी फुटेज रेणुका के मर्डर के 7 दिन पहले का है। बाइक का नंबर विजिबल नहीं है। सर एक मिनट, इस आदमी ने खाकी कपड़े पहने हैं, व्हाइट शूज है, और इसकी बाइक की कलर भी व्हाइट है। तो शादाब की बीवी आमीन ने शादाब को आखिरी बार जिस आदमी के साथ जाते हुए देखा था उसका डिस्क्रिप्शन इसके साथ मैच करता है। सर मैं ये वीडियो शादाब की बीवी को दिखाने के लिए बोलता हूँ। हाँ सर, ये बाइक भी वही है और आदमी भी वैसा ही लग रहा है जिसके साथ शादाब गए थे। शादाब मालती के केस में हमारा सस्पेक्ट है, और ये एक ऐसे आदमी से भी कनेक्टेड है जिसका रेणुका के साथ कनेक्शन था। मतलब ये दोनों केसेस भी आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। इन दोनों केसेस के साथ शादाब का मिसिंग केस भी कई रहस्यों से भर गया था। पुलिस इन तीनों केसेस से जुड़े एक एक इंसान को खंगाल रही थी, लेकिन उस बाइक वाले आदमी का अब भी कोई लीड नहीं मिल रही थी। साथ ही पुलिस इस संभावना पर भी काम कर रही थी कि रेणुका का हत्यारा कोई पान खाने वाला होगा। मैंने कुछ नहीं किया साहब। पान खाता है ना तू? पान नहीं खाता साहब, मैं तो गुटखा खाता हूँ। गुटखा खा के धोखा था? नहीं नहीं साहब, अगर मैं गुटखा खाता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं किलर हूँ साहब, और पान तो रेणुका मैडम खुद भी खरीदती थी साहब। क्या? और ऐसा पान बनवाती थी कि मैं सुनकर हैरान रह जाता था। 5 कॉकटेल पान देना। कॉकटेल पान? ये कॉकटेल पान कैसा होता है मैडम? पान पे चूना और कत्था लगा दीजिए और तंबाकू डाल दीजिए सारे जो भी आपकी दुकान में। और जब मैंने उनसे पूछा साहब तो उन्होंने बोला कि वो किसी और के लिए पान पैक करवा के ले जाती है। रेणुका किसके लिए पान पैक करवा के ले जाती थी? वो मुझे नहीं मालूम था भैया। इस पान में कत्था चूना लगा के वो सारे तंबाकू डाल दो जो आपके पास है, और इस तरीके के 5 कॉकटेल पान बना दो। हाँ मैंने इसको GNM IVF फर्टिलिटी सेंटर में देखा था सर, जहाँ मेरी वाइफ ने कंसीव किया था। इस IVF फर्टिलिटी सेंटर में आपकी वाइफ का डॉक्टर कौन? डॉक्टर शैली। हाँ सर, रेणुका मेरे पेशेंट थी। मेरे हस्बैंड
He can't bear a baby. इसीलिए मैं डोंट वरी रेणुका, आप IVF के थ्रू कंसीव कर सकते हो। सर फिर उसने कंसीव कर लिया था। ये बात रेणुका के पति को पता थी? आई मीन वो आता था कभी रेणुका के साथ? नहीं सर। सर अपने खबरी ने एक पान शॉप का पता किया जहाँ से एक दूसरी औरत सेम वैसा ही कॉकटेल पान बनवाती थी जैसा रेणुका। कौन है औरत जो तुमसे कॉकटेल पान लेके जाती थी? सर वो पैसे लाई। ये क्या चिल्लड़ लाई है? मजाक समझ रहा तुमको? मजाक लग रहा है? सर वो पान मुझसे GNM हाई वी एफ फर्टिलिटी सेंटर का वार्ड बॉय जय मंगवाता था। सर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि ये बच्चा मेरे पति का नहीं है, किसी और का है। IVF से प्रेग्नेंट होने वाली औरतों को मैं ही ब्लैकमेल करता था। मालती तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पति का नहीं, वो IVF तो सिर्फ एक बहाना था, दरअसल तुम्हारे साथ कोई और सोया है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पास तो वीडियो भी है, पता है ना? तुम्हारे पति को दिखा दिया तो क्या होगा? कहाँ है वो वीडियो? वो तो बस उन्हें झूठ बोलता था ताकि वो मेरे जाल में फंस जाए। तो उन औरतों को सिर्फ ब्लैकमेल ही नहीं कर रहा था बल्कि रेप भी करता था उनका। सारे गहने असली हैं। मैं भी असली मर्द हूँ, खाता हूँ। सर रेणुका का मर्डर का कोई प्लान नहीं था, लेकिन आखिरी बार जब वो आई तो उसके तेवर ही बदले हुए थे। ये लो 500 रुपये, इतना ही है मेरे पास। लगता है तुम्हारे पति को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है। बता दूं तो मैं तुम्हारे बारे में अभी के अभी पुलिस को बता दूंगी। मैंने सोचा था रेणुका को मारकर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके इधर उधर फेंक दूंगी। मौतों को ब्लैकमेल करने में शादाब भी तेरे साथ है ना? नहीं सर, शादाब मेरा पुराना दोस्त था। शादाब ने मुझे डॉक्यूमेंट दे रखी थी तो मैंने उसके ID पर एक सिम ले लिया और मालती को कॉल करने लगा और काम के नाम पर शादाब को ही मालती के पास भेज दिया पैसे लेने के लिए। ये लो, मुझसे अब और पैसे मत मांगना और प्लीज मेरे सारे वीडियोस डिलीट कर देना। वीडियो? जब शादाब को पता चला कि मैं ब्लैकमेलिंग के पैसे उठवाता हूँ तो वो बिगड़ गया। देखो जय, मुझे सब पता चल गया है, ये ठीक नहीं है। अगर तुमने उसकी वीडियो डिलीट नहीं की ना, मैं पुलिस को सब बता दूंगा। मुझे डर लगने लगा कि वो कहीं मेरी पोल ना खोल दे, तो मैंने उसे बहाने से बुलाया और ये काम तू अकेले तो कर नहीं सकता। और कौन कौन शामिल है तेरे साथ इसमें? सब IVF फर्टिलिटी की डॉक्टर गिलबर्ट और डॉक्टर शैली मेरे साथ इसमें शामिल थे। तो डॉक्टर गिलबर्ट इन औरतों का रेप किया करता था? नहीं 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 सर, वो अपना स्पर्म देता था और वही लोग बताता था कि किसको टारगेट बना है। हमारे यहाँ जितने भी कपल्स आते उनमें से जो भी मेल्स बच्चा पैदा करने में इनकैपेबल होते हम उन्हें छोटा एश्योरेंस देते कि हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे और इलाज के नाम पर खूब पैसा बनाते हैं। यही तुम लोगों ने मालती के साथ किया? हाँ सर, उसको लगता था मालती ने उसका ही बच्चा कंसेव किया है और मालती को प्रेग्नेंट करने के लिए ग्लिबर्ट का स्पर्म यूज किया। तुम दोनों के कहने पर जय ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया और जय की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया। एक जिंदगी को जन्म देने का झांसा देकर कितनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे थे तुम लोग। IVF एक ऐसी पद्धति है जो आजकल काफी चर्चा में है। ऐसी पद्धति के जरिए निसंतान दंपत्ति अपने परिवार को आगे बढ़ाने का सपना देखते हैं और वो ऐसे डॉक्टर्स को किसी मसीहा से कम नहीं समझते। लेकिन गिलबर्ट और शेली जैसे डॉक्टर्स और वार्ड बॉय जय थोड़े से पैसों के लालच में बेहद संगीन जुर्म को अंजाम पहुंचा रहे थे। इससे पहले पुलिस को इस रैकेट की कभी भनक भी नहीं लगी थी। रेणुका, मालती और सुधा, इन औरतों की चाहे जो भी मजबूरी रही हो, लेकिन अगर इन्होंने एक बार भी पुलिस से संपर्क करने का साहस जुटाया होता
तो इन्हें यूं अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।